नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के बयान ने इन दिनों अटकलों को हवा दे दी है। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को गिराने की आम आदमी पार्टी की मुहिम का करारा झटका लगा है। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बुधवार को विवादास्पद लाल डायरी के कुछ अंश जारी कर दिए हैं। उन्होंने डायरी के 3 पन्ने पढ़कर सुनाए भी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की है। बीजेपी भी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जी जान से जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव में जीत पक्की करने के लिए पीएम मोदी एनडीए सांसदों से संवाद कर रहे हैं। आइए अब इन खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार के ताज़ा बयान से अटकलों को नए तरीके से हवा मिल रही है। श्रवण कुमार से जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का, इस पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जेडीयू के कार्यकर्ता और वहां के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। ये पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ें, लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि फूलपुर या फिर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ें। वहीं बीजेपी ने नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी है। और चलिए आपको सुनाते हैं श्रवण कुमार जो कि बिहार में मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है और क्या जवाब दिया गया है विजय सिन्हा जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से। उत्तर प्रदेश के जो जेडीयू के कार्यकर्ता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री की चुनाव लड़े, इस बात की चर्चा है। तो पार्टी तय करेगी ना कि मुख्यमंत्री जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो कोई बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि फूलपुर से चुनाव लड़े, फतेहपुर से चुनाव लड़े। इनकी हिम्मत है बिहार के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ लें, कोई ताकत इन्हें नहीं जिता पाएगा। ये डर कर भागने के लिए तैयार है। बिहार के किसी लोकसभा से ये चुनाव लड़ लें चुनाव नालंदा से, हिम्मत है तो बुरी तरह से हारेंगे। फूलपुर सीट के जाति समीकरण को अगर देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा कुर्मी वोटर्स हैं, जिसके बाद यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। ऐसे में नीतीश कुमार कुर्मी वोटर्स के सहारे चुनाव लड़ने की रणनीति बना सकते हैं। इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कर चुके हैं और इसीलिए संसदीय सीट हमेशा से बड़ी खास रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो नीतीश कुमार यहाँ से चुनाव लड़कर अपनी छवि को राष्ट्रीय फलक तक ले जा सकेंगे। काशी से कुछ ही दूरी पर बसा ये लोकसभा क्षेत्र उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सीधे मुकाबले का मौका भी देने वाला हो सकता है। चंद महीने पहले ही ऐसी ही खबरें आई थी कि फूलपुर में जेडीयू इसी बाबत एक सर्वे भी करवा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को गिराने की आम आदमी पार्टी की मुहिम को लग गया है करारा झटका, क्योंकि बीजेडी टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली के अध्यादेश पर केंद्र सरकार का समर्थन करेगी। अध्यादेश पारित कराने के लिए कम से कम 119 सांसदों के समर्थन की दरकार है। बीजेपी के सांसदों की संख्या है 92। मनोनीत और एनडीए में शामिल पार्टियों के सांसदों को अगर जोड़ लिया जाए तो सरकार के पक्ष में आंकड़ा हो जाता है 111, यानी कि अध्यादेश पारित कराने के लिए सरकार के पास 8 सांसद कम हैं। राज्यसभा में बीजेडी के 9, बीआरएस के 7, वाईएसआर कांग्रेस के 9, जेडीएस, टीडीपी और बीएसपी का एक एक सांसद है। यानी कि राज्यसभा में एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों से दूरी बनाकर चल रहे दलों के सांसदों की कुल संख्या हो गई 28। तो बड़ी जाहिर सी बात है, बीजेडी, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के सरकार के समर्थन में उतरने पर बिल आसानी के साथ पारित हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सरकार का समर्थन करने वाली पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा है कि जरूर उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन इस बिल को समर्थन करने वाला देश विरोधी माना जाएगा। सुनाते हैं आपको राघव चड्ढा ने और क्या कहा। देखिए, जहाँ तक वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी का सवाल है, ये दो बड़ी पार्टियां हैं और देश के दो महत्वपूर्ण बड़े राज्यों में राज्य सरकारें चला रही हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने राज्य की शक्तियां छीनकर सारी शक्तियां केंद्र में लीन करने वाले एक अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है।
उस पर बस मुझे इतना ही कहना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बुधवार को विवादास्पद लाल डायरी के कुछ अंश जारी किए हैं। राजेंद्र गुढ़ा का दावा यह है कि इस लाल डायरी के जो अंश वो जारी कर रहे हैं वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और सीएम अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर की हैंडराइटिंग के हैं। विधायक गुढ़ा ने लाल डायरी के 3 पन्ने पढ़कर भी सुनाए। गुढ़ा के दावे के अनुसार उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी सौभाग सिंह और पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के बीच हुई बातचीत का जिक्र किया है, जिसमें राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में लेन देन की बातचीत है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव आरसीए के अध्यक्ष हैं। सुनवाते हैं आपको कि राजेंद्र गुढ़ा ने आखिर कहा क्या है। जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया, 3 पॉइंट, और इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर प्रेस करके और आपको जानकारी देता रहूंगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर होऊंगा तो मैं जानकारी दूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की है। बैठक में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। और इधर बीजेपी भी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जी जान से जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव में जीत पक्की करने के लिए पीएम मोदी एनडीए सांसदों से संवाद कर रहे हैं, और इस कड़ी में बुधवार को बैठक में पीएम मोदी ने काशी और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। इससे पहले पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी के सांसदों के साथ बैठक की थी और उसमें उनके स्थानीय मुद्दों को पुरजोर उठाने के लिए कहा था। इसी के साथ चुनावी खबरों पर आधारित हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि चुनावों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए चुनाव आज तक के साथ। साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।